छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने मंगलवार को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में प्रथम अंत्योदय दिवस का आयोजन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त छात्रों के लिए एलुमनी मीट आयोजित की गई। साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अजय चंद्राकर ने युवाओं को विभिन्न कंपनियों से नौकरी के लिए प्रस्ताव प्रदान किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने मंगलवार को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में प्रथम अंत्योदय दिवस आयोजित किया। बिहान और रोशनी योजना से प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त छात्रों के लिए एलुमनी मीट आयोजित की गई, जिसमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अनुभव बांटने का मंच दिया गया। इसकी जानकारी नीलेश शीर सागर मिशन निदेशक ने देते हुए आगे बताया कि बिहान योजना ने छत्तीसगढ़ में 3 साल में 60,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 51 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जो लगातार कौशल विकास प्रशिक्षण राज्य के युवाओं को प्रदान कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अभी तक विभिन्न कंपनियों से नौकरियों के लिए प्रस्ताव प्रदान किए गए। आज 25 सितंबर माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की स्मरण आज के दिन हम बड़ी श्रद्धा से करते हैं और उनकी विचारधारा, उनकी अवधारणाओं को गरीब अंत्योदय समाज के अंतिम मेरुदंड पर खड़ा आदमी यदि मुख्य धारा पर नहीं आ पाता है, उनको विकास में अवसर नहीं मिल पाते हैं और वो सम्मान के साथ जिंदगी नहीं जीता, तो पूरा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज उसी तंत्र ने समाज के साथ मिलकर गरीबी रेखा के नीचे बच्चों को कौशल उन्नयन DDU GKY में योजना में, जो आप देख रहे हैं राज्य छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन, उसके तहत प्लेसमेंट के लिए नियुक्ति पत्र दिया है और समाज में एक मौन क्रांति हो रही है, समाज में एक जागृति आ रही है कि हम सब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ें, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ें और ये स्टेडियम का माहौल उसी को प्रदर्शित कर रहा है। आयोजन में मुख्य अतिथि मंत्री अजय चंद्राकर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्किल इंडिया के छत्तीसगढ़ के कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं युवा। आज इस स्टेडियम को कोई भी देखता तो छत्तीसगढ़ में हुए बदलाव को समझ सकता कि विकास हो रहा है, भारत के जवानों को दिशा दी जाए और प्रशिक्षण दिया जाए तो ये देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा। यही अवसर मिला छत्तीसगढ़ के युवाओं को बिहान योजना से। ये कहा जाता रहा है कि सरकारी कार्यक्रम सफल नहीं होते, पर आज ये भ्रम भी टूट गया इस योजना की सफलता से। मंत्री अजय चंद्राकर ने युवक और युवतियों को ऑफर लेटर भी प्रदान किया, जिसमें कल्याणी स्मार्ट, स्किल दामनी, रेणुका गोस्वामी, सीमा साहू, पायल, विद्या निर्मालकर, ज्योति बंजारे और अंजलि का नाम शामिल था। युवाओं ने आयोजन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और गीत से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सॉफ्ट स्किल है, CCTV है और USG है, अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारा वो है जो CCTV। हम लोग अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड में, अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड USG। 6 महीने का मैम। CCTV के बारे में, सॉफ्ट स्किल और अनार्म्ड सिक्योरिटी है। हम लोग DDU GKY में कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन से और आनंद स्किल हमारा बुक इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो दिल्ली से है और हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड से सिखाया जाता है कि वो ट्रांसफार्मर वगैरह, ये टावर वगैरह इलेक्ट्रिकल फील्ड से, और हमारे ट्रेनर लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अच्छे कोर्स करा रहे हैं और सुविधा भी हमको भरपूर मिल रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं और साथ में हमारे साथ अच्छे से रहते भी हैं। हमारे 4 महीना बचा है मैम, 2 महीना कंप्लीट हो गया है और अपेरल वालों का हो गया है, अभी फील्ड में जा चुके हैं प्लेसमेंट के लिए और हम अभी नए स्टूडेंट आए हैं। बेरोजगार युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने
भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया था। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका योजना उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को काम करना है। For more information, log on to www.clips.in.